everyone, Reema here and welcome back to my channel. अरे मैं रीमा ही हूँ. थोड़ा doubt हो रहा है, मुझे भी हो रहा था जब मैंने ये makeup देखा अपना. तो घबराइए मत, मैं रीमा ही हूँ और मैंने ये makeup जानबूझ के create किया है और ये makeup का tutorial बहुत जल्द आने वाला है, so don't miss it. Actually मैंने सोचा कि चलो कुछ हट के makeup try करते हैं. तो ये एक थोड़ा सा sophisticated vampire look वाला makeup मैंने create किया ऐसे कुछ products use करके जो मैंने अपने tutorial में पहले कभी use नहीं किया था वो सारे products. तो stay tuned और वो वाला makeup देखने के लिए भी आपको subscribe तो करना ही पड़ेगा, कोई chance नहीं है, free का है. Subscribe करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई charge नहीं करते, कुछ नहीं होता है. तो please यार subscribe अब तो कर दो अगर नहीं किया तो. अभी तक वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा है ना, उसको फटाक से अभी के अभी क्लिक कर दो और नोटिफिकेशन का जो छोटा सा आइकन है बेल वो भी क्लिक कर दो. अभी के अभी वीडियो देखते देखते ही एक सेकंड लगेगा. और आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक हॉल वीडियो है और वो भी पतंजलि हॉल, जो भी मैंने अभी तक नहीं किया था. और मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों के क्वेरीज भी थे और मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी करने थे, तो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स वैसे भी ख़रीदना था तो मैंने वो ख़रीदा. और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या पतंजलि के प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदे और जो भी मैंने ख़रीदा उसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ. और कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया है और वो मेरे रिपर्चेज हैं, तो वो भी मैं बताऊँगी. तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ. जो कि पहला प्रोडक्ट है वो तो यू ऑल नो, जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि हाउ मच आई लव दिस प्रोडक्ट. इट इज़ पतंजलि एलोवेरा जेल. और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आई एम श्योर बहुत सारे मतलब सबका, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, कोई भी हो, ये प्रोडक्ट ऐसा एक प्रोडक्ट है कि सबका फेवरेट ऑलमोस्ट हो चुका है अभी तक, तो आई एम श्योर. और ये बहुत ही किफ़ायती है और बहुत ही असरदार है. आप इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हो. इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं वो लिंक आपको दे दूँगी, तो वो भी चेकआउट कर लेना कि आप इस एलोवेरा जेल को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए. बहुत सारे यूज़ेस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वो वाला वीडियो मेरा डेफिनेटली चेकआउट कर लेना. तो पहला मैंने ये तो ख़रीदना ही था तो मैंने ये ख़रीदा. ये तो रिपर्चेज, मतलब कितने सारे रिपर्चेज हैं मैं तो खुद भी भूल गई, बहुत बहुत सारे मैंने अभी तक यूज़ कर लिए है ये. तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट. सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने लिया है ये भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितना यूज़ कर लिया है. तो ये प्रोडक्ट है पतंजलि का तेजस तैलम. ये भी काफ़ी मल्टीपर्पज़ एक ऑयल है. इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अभी और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. मैं झूठ क्यों बोलूँ, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसके. और मैं इसका भी एक सेपरेट रिव्यू बनाऊँगी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कुछ मतलब ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोल रही हूँ. बस इसको आप मल्टीपर्पज़ एक ऑयल है ये, मतलब बहुत असरदार है. आपको आप इसको बालों में भी यूज़ कर सकते हो, स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट इसको आप फेस में भी यूज़ कर सकते हो. इसको भी आप किस किस तरह से यूज़ कर पाओगे उसका भी मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ, उस पर थोड़ा सा देख लेना, चेक कर लेना. तो ये था मेरा सेकेंड परचेज पतंजलि तेजस तैलम. उसके बाद मैंने जो लिया है वो एक मेडिसिन है और ये है पतंजलि का शतावर चूर्ण. ये मैंने हालांकि दो लिए हैं. ये बहुत असरदार एक मेडिसिन है. मैंने हालांकि इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैंने रिव्यू करने के लिए इसको परचेज़ किया है. और शतावर हमारे हेल्थ के लिए एक मिरेकल प्रोडक्ट है. आप बिलीव नहीं करोगे कि ये शतावर जो चूर्ण है ये कितने सारे प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं. स्पेशली फीमेल्स जो भी है उनके भी जो क्रिटिकल कंडीशंस है उसको भी इसके कंजम्पशन बहुत अच्छे से क्योर करता है इन द लॉन्ग रन.
तो शतावर चूर्ण पतंजलि का ही नहीं है, शतावर चूर्ण बहुत सारे कंपनी ने आज निकाले हैं। पहले तो इस सब चीज़ से हम लोगों की मतलब बिल्कुल पहले ज़माने में यह सबसे ही इलाज होता था, अब तो मेडिकल साइंस इंप्रूव करने के बाद ये सब कहीं ना कहीं खो गए थे, लेकिन अभी फिर से हम लोग जब फिर से नेचुरल वे में अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो चुके हैं आज के जनरेशन, तो ये सब बहुत सारे कंपनी इंडोर्स कर रहे हैं। तो पतंजलि का मैंने ये लिया, इसका एक फुल रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है और इसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो ये था मेरा थर्ड परचेज। उसके बाद मैंने लिया है पतंजलि का कोकोनट ऑयल, ये कुछ इस तरह से दिखता है। आउच, डोंट वरी, इस तरह से कुछ दिखता है। और इसका एक जार बॉटल भी आता है, तो वो विंटर के लिए ठीक है क्योंकि विंटर में कोकोनट ऑयल मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है तो निकालने में दिक्कत होती है, तो विंटर के लिए वो सही है। लेकिन अभी तो समर है तो मैंने इसलिए ये वाला बॉटल लिया है। ये भी मेरा रिपर्चेज है, मैंने यूज़ किया है इसको। और एक चीज़ आप सुन के आपको हैरानी होगी कि ये एडिबल ऑयल है, आप इसको अपने फेस पे जैसे लगा सकते हो, बॉडी पे लगा सकते हो, हेयर पे लगा सकते हो, आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हो, मतलब आप इसको देके खाना बना सकते हो, आप इसको ऐसे नॉर्मल पी सकते हो। तो ये भी एक मल्टीपर्पज़ ऑयल है और ये बहुत अच्छा ऑयल है, एडिबल है। तो जिन लोगों को भी थोड़ा सा यू नो हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हो रहे हैं, ऑलिव ऑयल के साथ साथ आप लोग अगर कोकोनट ऑयल भी कंजम्पशन कर रहे हो तो आपका भी वेट लॉस बहुत फास्ट होगा। और जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं उसके लिए भी कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है और उसका भी लिंक मैं दे दूँगी, कैसे कंजम्पशन आपको करना है, किस हिसाब से आप कोकोनट ऑयल को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हो वेट लॉस के लिए, थायराइड को ट्रीट करने के लिए, वो आप बिल्कुल वो वाला वीडियो देख लीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं लिंक दे दूँगी। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट परचेज। उसके बाद मैंने लिया है ये पतंजलि का दिव्य हर्बल पेय। ये एक चाय की सब्स्टिट्यूट हम लोग बोल सकते हैं, ये कुछ इस तरह से अंदर इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये यू नो टी बैग्स जैसे हम लोग यूज़ करते हैं उस हिसाब से इसको यूज़ करके पीना है। तो इसको मैं चाय तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये एक अच्छा चाय का सब्स्टिट्यूट है। इसको पीने से वेट लॉस भी होता है, ये इन लोगों का दावा है। तो जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगी तब तक मैं उस हिसाब से कुछ नहीं बोलूँगी आप लोगों को, क्योंकि पता है कि मैं जब खुद सेटिस्फाइड होती हूँ खुद अपने ऊपर वो चीज़ यूज़ करके, तो ही मैं किसी चीज़ का यू नो रिव्यू करती हूँ या मतलब मैं आपको बोलती हूँ कि हाँ ये आप यूज़ करो वट्स एवर। तो उस हिसाब से मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये मैंने लिया है, इसको कंटिन्यू करके मैं देखूँगी इसका रिज़ल्ट क्या है, इस पर वेट लॉस होता है या नहीं, या क्या फ़ायदा मुझे महसूस होता है, देन आई अगेन गेट बैक टू यू। उसके बाद मेरे पतंजलि हॉल का नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट। ये भी मेरा रिपर्चेज है, आई हैव यूज्ड इट बिफोर एज वेल एंड आई क्वाइट लाइक दैट प्रोडक्ट। और ये एज यूजुअल जैसे ट्यूब में आता है वैसे ही आता है ये। इसको यूज़ करने से यू नो एक बहुत रिफ्रेश सा फील होता है, और ये एक्चुअल में मुझे लगता है कि गम टाइटनिंग में मदद करता है, और अगर सेंसिटिविटी है दांतों में तो उसको भी ये काफ़ी हद तक यू नो नॉर्मलाइज करता है, हाउ फॉर आई फील इसको यूज़ करने के बाद। तो आई डोंट हैव एनी कंप्लेन इसको लेके, सो दैट्स व्हाई यू नो आई रिपर्चेज इट। एंड इफ़ यू आस्क मी वेदर आई रिकमेंड यू और नॉट, सो आई रिकमेंड यू, यू कैन यूज़ इट, यू कैन ट्राई इट एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल यू नो हर्बल टेस्ट टाइप है, एंड ये हर्बल सारे प्रोडक्ट्स हर्बल है, नेचुरल है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उसका यू नो जो भी टेस्ट या फ्रेग्रेंस या
जो भी कुछ होगा बहुत हर्बल सा ही होगा. उसके बाद मैंने लिया है दिव्य गुलाब जल पतंजलि का. इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, मैंने इसको ऑनेस्टली कभी यूज़ नहीं किया था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है. आई थिंक ये 30 रुपीज़ का शायद आता होगा, और मैंने सोचा कि चलो इतना जब सब बोल रहे हैं तो इसको यूज़ एक बार करके देखते हैं कैसा है. हालांकि ये बिल्कुल क्लियर वाटर है, मतलब कोई भी जैसे नॉर्मल रोज़ वाटर में एक हल्का सा पिंकिश नो कलर रहता है, लेकिन ये बिल्कुल यू कैन सी आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर वाटर है, कोई भी इसका कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो लेट्स सी क्या होता है यूज़ करने के बाद, मैं रिव्यू तो डेफिनेटली करूँगी इसका. उसके बाद जो मैंने लिया है वो है पतंजलि का केश कांति शिकाकाई हेयर क्लींजर. ये भी मेरा फर्स्ट परचेज है, इसको भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया था. तो माय मॉम यूजेस दिस, और मेरे मॉम ने ही बोला कि थोड़ा सा ये ट्राई करके देखने के लिए, क्योंकि मॉम को अच्छा लगा ये वाला प्रोडक्ट. तो मैंने सोचा कि एक बार मेरे लिए भी मैं ख़रीद के देखती हूँ कि मुझे कैसा लगता है, क्योंकि यू नो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेयर. सो आई एम लिटिल वॉरिड अबाउट इट, बट स्टिल ये नेचुरल है और मैं हमेशा नेचुरल चीज़ यूज़ करना पसंद करती हूँ, चाहे वो स्किन के लिए हो, हेयर के लिए हो. तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई हियर. तो ये था. उसके बाद जो है वो है पतंजलि का हल्दी चंदन कांती सोप. पतंजलि का कोई भी सोप मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो जस्ट लाइक दैट मैंने इतना कुछ मैं ले रही थी तो मैंने सोचा एक सोप लेके भी देख लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स. सो या ये यूज़ करने के बाद मैं बताऊँगी. उसके बाद मैंने लिया पतंजलि केश कांति हर्बल मेहंदी. ये भी मेरा फर्स्ट परचेज है, इसको भी मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया था. तो मुझे बस इसको ट्राई करना था रिव्यू के लिए, तो मैंने ये लिया. तो देखते हैं. और हाँ, अभी तक मैंने जो जो भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाए हैं उसके जो भी प्राइस वगैरह हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस सबके मुझे याद नहीं कि मैंने सब एक साथ ख़रीदा था, तो इंडिविजुअली प्राइस मुझे मतलब उतना याद नहीं है. तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा. उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है वो बहुत डेंजरस एक प्रोडक्ट है. इसको मतलब मैं बोल नहीं सकती, इसको मैंने कितनी बार ख़रीदा है, कितनी बार यूज़ करने की कोशिश की है और मैं नाकामयाब रही. वो है पतंजलि का दृष्टि आई ड्रॉप. ये कुछ इस तरह से आता है पैकेजिंग में, एक यू नो कार्डबोर्ड का वो पूरा कवर रहता है, वो आई हैव लॉस्ट इट समवेयर. तो ये आई कांट इवन रिमेम्बर कि मैंने कितने सारे इसके मतलब ये मैंने दृष्टि वाला ख़रीदा है. और हमेशा क्या होता है कि इसको एक्चुअली ये अगर आप ओपन कर दो ना, उसके बाद आपको एक महीना ही टाइम मिलता है इसको यूज़ करने के लिए. मतलब आप इसको आज ओपन किए तो आज के बाद से एक महीने तक ही आप इसको यूज़ कर पाओगे, उसके बाद ये यूज़लेस हो जाता है, इसको फिर यूज़ करने से फ़ायदा नहीं है, वो एक्सपायर हो जाता है. तो मैंने इसको बहुत बार ख़रीदा है, इसको ओपन किया है, एक दो दिन चार दिन मैक्सिमम मैंने ट्राई किया ड्रॉप आई ड्रॉप देने के लिए, उसके बाद समहाउ नहीं होता है कंटिन्यू. अभी तक मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने मतलब कितने जन ने ये ट्राई किया है. जिन लोगों ने ट्राई किया है उन लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, या ऐसे मेरे रिएक्शन ऐसे क्यों हैं. मुझे मतलब बोलते हुए भी थोड़ा सा यू नो डर लग रहा है कि क्योंकि माय गुडनेस ये एक ड्रॉप आपको इतना दर्द देगा कि आप इसके ना फ़ायदे भूल जाओगे. एक्चुअली ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें यू नो हनी है, फिर वाइट जो अनियन होते हैं उसका जूस है, फिर अदरक है, नींबू है, आई डोंट नो क्या क्या है, लेकिन जो भी है वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन जब आँखों में वो ड्रॉप जाता है
तो आई स्वेयर नानी याद आ जाती है. तो बहुत ही खतरनाक तरीके से ये जलता है आँखों में, और अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर पाओ तो नथिंग लाइक इट. मैंने बहुत बार ट्राई किया है, फिर से ले आई हूँ, फिर से ट्राई करूँगी. आई डोंट नो कितने दिन कंटिन्यू कर पाऊँगी, लेकिन लेट्स सी. सो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा. ये आई थिंक 25 रुपीज़ का आता है, तो इसका एक्सपीरियंस सबको लेना चाहिए एक बार तो कम से कम. ये खरीदिए, इसको एक बार यूज़ कीजिए, और इसका जो रिज़ल्ट है, मतलब वो जो आपको आफ्टर इफेक्ट है लगाने के बाद, वो कैसा है मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर पाऊँ आप लोगों के यू नो रिएक्शन से. जैसे मैंने अपना रिएक्शन बताया, तो यार दिस वॉज अ वीडियो. आज पहली बार मैंने पतंजलि हॉल वीडियो किया, और मैंने पतंजलि का कुछ चीज़ मैं यूज़ मैंने किया है पहले, वो अभी मैं डिसकंटिन्यू मैंने कर दिया है. वो दो चीज़ है, एक तो है पतंजलि का एलोवेरा जूस, वो मैंने बहुत पिया है, बहुत मतलब आई थिंक वो मैंने साल भर से ऊपर मैंने पिया था, और पिया था मैंने आंवला जूस. ये दो जूस मैं बहुत रेगुलरली पीती थी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा मैंने डिसकंटिन्यू किया जानबूझ के, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करती हूँ मैं. एक गैप दे के थोड़ा सा चेंज करके फिर मैंने इसको अभी तक इसलिए गैप रखा है. तो इसके बाद जब मैं स्टार्ट करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी. तो ये था आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए. और जैसे मैंने पहले बोला है, फ्री का सब्सक्राइब है, प्लीज़ रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए. लव यू लव यू लव यू ऑल, एंड आई रियली मीन इट. सो इसके बदले में बस सब्सक्राइब. बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर.